हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों MI, वीवो, ओप्पो या जो भी है माइक्रोमैक्स, वो सब कम प्राइस में मोबाइल अवेलेबल करा के देते हैं, और क्यों सैमसंग, वन प्लस, आईफोन या जो भी है, जो सोनी, ये क्यों उनके मोबाइल्स के प्राइस इतने हाई रखते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले हम एक ऑफर के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, MI स्टोर्स पे 27 से, जो कि कल से डेट स्टार्ट हुई है, कल से 27 से 29 तक ऑफर चालू है, और उसमें आपको लगभग 2000 के 2000 तक कम प्राइस में आपको मोबाइल अवेलेबल है। देखिए, सेव अप टू 2000 रुपीज़ ऑन रेडमी नोट 4, वो सब देख सकते हैं। तो अगर आप नीचे जाओगे तो आपको ऑफर में देख चेक ऑल ऑफर्स में अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मिल रहा है MI A1 तो 15,000 का ही है, बट Redmi Note 4 देख सकते हैं आप, 3GB 32GB वाला आपको मिल रहा है 10,000 में, जो कि था 11,000 का, और 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिल रहा है 11,000 में, जो कि अवेलेबल था 13,000 में। और Mi Max का भी प्राइस कम हुआ है। Mi Max का 4GB 32GB जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसका प्राइस 13,000 ही है, वो पहले भी 13,000 ही था, पर अगर आप अमेजोन पे लेने जाएंगे तो ये शायद 14,000 का है, और 4GB 64GB का प्राइस जो कि लॉन्च इवेंट पे उन्होंने बताया था, जो था 17,000 पर, अभी उसका प्राइस हो चुका है आपको 15,000 में शायद अवेलेबल है। ये देखिए, 14,999। तो दोस्तों, यही ऑफर के बारे में बात करनी थी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक इन हाउ। दोस्तों, आप मेरे इसी वीडियो में जाके आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक चैनल अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आप सर्च मार सकते हैं टेक इन हाउ पर, मैं जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आप उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी पर बात करने वाला था। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि सैमसंग, वन प्लस, सोनी, आईफोन, ये सब फोन्स के प्राइसेस इतने हाई किए हुए, तो दोस्तों इनके पीछे एक मेन रीज़न है, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो दोस्तों, ये जो भी फोन्स है, जो भी कंपनीज है, ये इनके खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद से नए 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 टेक्नोलॉजी, नए नए एप्लीकेशन या नए नए जो भी एप्स या जो भी फंक्शंस हैं मोबाइल में डालने के, खुद से इनोवेट करके ट्राई मारते हैं। और दूसरी जगह MI है, वीवो, ओप्पो या जो भी माइक्रोमैक्स, जो भी लो बजट के फ़ोन्स आते हैं, उसमें आपको देखा आप देख सकते हैं कि जो फीचर्स पहले ही लॉन्च हो चुके हैं वही रहते हैं, पर आपको कम प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा नहीं करते। तो उनका वो बचा हुआ पैसा हम वो बचा हुआ पैसा वो कम प्रोडक्ट देख के, मतलब वो कंपेंसेट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो अगर आप सैमसंग के अगर गैलरी में जाओगे, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सैमसंग के अगर मोबाइल आप दोगे तो अगर आपका स्क्रीन भी टूटा रहेगा तो वो दो तीन दिन में रिप्लेसमेंट करके दे देते हैं। पर अगर आप MI के या किसी दूसरे लो बजट वाले फ़ोन के गैलरी में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि उनके पास आपको एक लगभग 1 से 1.5 हफ्ता आपको मोबाइल रखना पड़ता है स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि जब भी आपकी स्क्रीन खराब हो जाती है और आप कंप्लेन करते हो तो उसके बाद वो लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्विसिंग का भी एक मैटर होता है, अगर आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो तो सर्विसिंग का। और एप्पल का अगर आप देखोगे तो एप्पल का आपके लिए, अगर आपका डिवाइस रिपेयरेबल है तो आपको फटाक से रिपेयर होने वाला है, तो आपको तब तक दो तीन दिन के लिए स्पैन के लिए वो लोग रिप्लेसमेंट डिवाइस देते थे, या फिर डायरेक्ट आपको रिप्लेसमेंट भी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर हाई बजट लेना है या लो बजट लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मेरा तो पर्सनली ओपिनियन है, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, या फिर अगर आप मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों मेरा यही सजेशन रहेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब में हम लोग को क्यों करना है। हम लोग को तो बस इतना ही चाहिए कि लोग कम से कम प्राइस में, हम लोग को बस अच्छा डिवाइस चाहिए, बाकी सब उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपी हो, कुछ भी हो, हमें कम प्राइस में अच्छा चाहिए। तो ऐसे चाहिए तो हम MI या इससे जा सकते हैं, पर अगर हम हमारे कुछ मोबाइल पे हम बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, मतलब हमारे बिजनेस से कॉल से या जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आते जाते हैं, तो हम आईफोन या फिर आईफोन, सैमसंग, सोनी, इनसे ये मोबाइल खरीद सकते हैं, ताकि हमारे कॉल्स या कुछ है वो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों प्राइस ज़्यादा रहती है एक तरफ और क्यों प्राइस दूसरी तरफ कम रहती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। दोस्तों, अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बारे में अभी तक बहुत जनों को पता नहीं है, क्योंकि हम जो जो अभी सैमसंग या जो भी मोबाइल लेते हैं उसके हम पैसे देते हैं, वो सर्विसिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्स्ट्रा पैसे देते, बाकी कुछ नहीं देते। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि ज़्यादा पैसा देने से क्वालिटी रहता है, क्वालिटी ऐसे कुछ नहीं रहता, तो क्वालिटी तो सेम ही रहती है, बस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
करना है, सर्विसिंग का रहता है। और ऐसे नहीं कि दोस्तों हर एक कम प्राइस में मिलने वाला प्रोडक्ट खराब ही होगा। MI के भी फ़ोन ख़राब होते हैं, सैमसंग के भी फ़ोन ख़राब होते हैं, सोनी के भी फ़ोन ख़राब होते हैं, पर उन लोग का सर्विसिंग टाइम अच्छा है, सर्विस अच्छा है, इसलिए उनका प्रोडक्ट और उनका गुडविल नाम का जो उन्होंने कमाया है वो बहुत अच्छा है। इसलिए दोस्तों उनके प्रोडक्ट अभी भी ज़्यादा प्राइस रहते हुए भी लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों ये आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खरीदना है। तो आप समझ गए रहेंगे कि प्राइस अच्छा है, मतलब ज़्यादा प्राइस रेंज से कुछ बेटर क्वालिटी नहीं मिलती, क्वालिटी तो सेम ही रहती है। क्योंकि अगर कैमरे की बात करें, अगर सोनी में भी सेम कैमरा रहता है, सैमसंग MI या ओप्पो जो भी है, सब ऑलमोस्ट सोनी या सैमसंग ऐसे दूसरे वेंडर से ही ऑलमोस्ट सोनी के ही कैमरे रहते हैं। तो वैसे ही अगर चिपसेट देखा जाए तो चिपसेट रहता है स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम का। तो दोस्तों जो भी पार्ट्स हैं अंदर के वो सब सेम ही रहते हैं, बस हम एक्स्ट्रा प्राइस देते हैं, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्विसिंग की। तो दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहेंगे। अगर कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊंगा। और आपके डाउट्स कुछ रहेंगे या फिर आप कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज रहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। अगर क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सबको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।